फ्रेंड वेलकम टू प्रीति रेसिपी ब्लॉग। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ आलू कटा की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड ये इवनिंग स्नैक रेसिपी है। अभी तो बंद का समय चल रहा है, तो लड़कियों और लेडीज को आलू कटा, गुपचुप ये सब बहुत पसंद आता है, तो मैं आज उन्हीं के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ आलू कटा की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी आलू कटा की इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। ये देखिए आलू को बॉईल कर लिया है, ज्यादा नहीं, आपको मीडियम आंच में आलू को पकाना है, दो सीटी लगानी है और इस तरीके से उबाल लेना है। इसे मैंने छीलकर रख लिया है। उसके बाद मैंने इमली का पल्प लिया है, जिसे मैंने दो घंटे पहले भिगो दिया था। आप अगर इंस्टेंट बना रहे हैं तो उसे गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं। उसके बाद मैंने प्याज और मिर्ची को चॉप्ड कटिंग कर लिया है। थोड़ी सी मैंने हल्दीराम का भुजिया लिया है। ये मैंने नमक लिया है थोड़ा सा। ये भुना हुआ जीरा और मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, करीब एक बड़ा चम्मच। और ये मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है थोड़ा सा। आप सादा नमक और काला नमक दोनों मिलाना है फ्रेंड इसमें, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में पहले काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, आलू को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपको भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब हम धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज और मिर्ची को ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड होती है। तो फ्रेंड अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मेरे पास जितने इंग्रेडिएंट्स घर में थे मैं उसी की रेसिपी ये बना रही हूँ। धनिया पत्ता नहीं है, आप चाहे तो धनिया पत्ता चॉप्ड करके इसमें डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भुना हुआ जीरा और मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये करीब एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है। ये काला नमक मैं डाल रही हूँ फ्रेंड, और साथ ही साथ मैं सादा नमक भी ऐड कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ही ऐड करूंगी। उसके बाद देखिए ये इमली का पल्प जो है वो मैं इसमें ऐड करूंगी, इसी से ये टेस्ट आता है फ्रेंड। तो खटाई आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंड ये इवनिंग स्नैक है। मैं क्या करती हूँ, शाम में इसके साथ गोटा मूंग जो हरा वाला आता है उसको भी फुलाकर उबालकर इसमें मिक्स कर देती हूँ, तो ये मूंग का चाट हो जाता है फ्रेंड। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत प्रोटीन हो जाती है, मूंग दाल जो होती है उसकी चाट बनाकर बच्चों को देना, ये बहुत प्रोटीन हो जाती है। इसलिए मैं बीच बीच में मूंग दाल की भी इस तरीके से चटपटा चाट बना देती हूँ। और फ्रेंड मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर और भी अच्छा आ जाए। और फ्रेंड साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, हल्का सा, क्योंकि खटाई पहले से है। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है। आप इसमें धनिया की पत्ती भी चॉप्ड करके डाल दें तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बन जाएगी। तो ये आलू कटा रेसिपी मैंने आज आप सबको बताई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सर्व करेंगे, सर्विंग के समय हम ऊपर से ये सेव हम ऊपर से डालते जाएंगे। तो चलिए फिर हम सर्व कर लेते हैं इसे। देखिए फ्रेंड हमारा आलू कटा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने सेव के साथ सर्व किया है। तो कैसी लगी ये रेसिपी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।